Hello friends. Welcome to our channel Fine Fettle. I hope you are liking the videos shown on my channel. I try to present good videos for you every day on my channel. Keep your love with me. The suggestions and tips given in the article are for general information purposes only and should not be taken as professional medical advice. If you have any questions or problems, consult your doctor immediately. इस तरह के पान को शौकिया खाने की जगह आप इस पत्ते को चबाने की नियमित आदत भी बना सकते हैं चौकी नहीं हम किसी लत का शिकार होने की सलाह नहीं दे रहे बल्कि इस सलाह को आजमा कर आप कुछ बीमारियों से राहत भी पा सकते हैं पान के छोटे से हरे पत्ते में बेशुमार गुण छुपे हैं। बस आपको उसे खाने की आदत बिना किसी कत्थे चूने या स्वाद के डालनी होगी तभी पान का ये पत्ता आपके काम का साबित हो सकेगा डाइजेशन में फायदे आप अक्सर ऐसी शिकायतों के शिकार रहते हैं जो आपके डाइजेशन से जुड़ी है मसलन कब्ज या फिर बहुत ज्यादा एसिडिटी तो पान का पत्ता आपके लिए दवा साबित हो सकता है आप रोज सुबह खाली पेट इस पत्ते को चबाने की आदत डाल ले इस प्रैक्टिस से आपका पाचन बेहतर हो सकता है मसूरों में सूजन में फायदे आप मसूड़ों की किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो भी पान राहत दे सकता है मसूरों में सूजन या फिर दिखाई दे रही कोई गांठ को पान का पत्ता राहत देता है डायबिटीज पर काबू में फायदे पान के पत्ते की खूबी ये है कि ये शरीर का ब्लड शुगर लेवल सामान्य रखता है जिन्हें डायबिटीज है वो रोज पान का पत्ता चबाकर राहत हासिल कर सकते हैं दांतों के लिए फायदे पान से दांतों को तब नुकसान होता है जब इसे कत्था या चूना मिलाकर खाया जाता है इसके बिना पान खाना दानतों के लिए फायदेमंद है आप बस इन पत्तों को पीस कर नींबू में मिलाकर खाएं दूसरे रोगों में फायदे पान के पत्ते में कुछ एंटीबायोटिक गुण भी होते हैं इसलिए ये पत्ते छोटे मोटे इन्फेक्शन से भी बचाने में कारगर है पान के पत्ते को आप शहद के साथ मिलाकर या पीस कर खाएं तो सर्दी और खांसी में भी राहत मिल सकती है